कौन केमिकल लक्षण ज्ञान लेने यही नहीं बेफालतू की चीज जो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर भाई चढ़ो हम जोर आ रहा भाई वो जो तुमने धुंध सी दिख रही ना बहुत 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 नीचे मतलब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हम पहुंच गए हैं। आज की होगी शाम और हम पहुंच चुके हैं परासर झील में। मीनू बन चुकी है प्रीति जिंटा। ले दोबारा बोल हाय प्रीति जिंटा भाई पैराग्लाइड इतने रुपया ला की इतना तेल फूक की इतनी भैया ने हिम्मत मारी ऊपर चढ़ाया और आंधी क्या अंदर आया क्या अपने अपने मुंह से बताएगी या मैं आपकी तारीफ खुद करूं है सोचना मेरे देख कर खुद भी हुआ मेरा तो जो भी है भैया वो आपकी तारीफ आप खुद करेंगे इतनी ऊंची भाई मतलब ये लगा लो सबसे ऊंची चोटी कुल्लू मनाली शिमला की यही होगी इतनी हाइट पे दिख नहीं रही अब धुंध आ गई भाई 5:30 बज गए सूरज है और ये करने आते ही टॉयलेट देखा भाई इसने सारे करे करे पे पानी फेर दिया हो हो देखा भाई क्या हड़ है हो भाई सिर मेरा चकराए सुबह वीडियो बनेगा ना मस्त मस्त यहाँ पे भी तो लग जाएगा भाई ले यार तो दर्शन लेंगे बैठ का वाओ इसमें काय बिल्कुल नहीं है ये भाई परासर लेक ये बैठ गया जम्मू रे हैं ये मंदिर है खुदा पहाड़ ले भैया आके बैठ गए है ना एक नंबर का व्यू है इसको चुगड़दा यू कर रखे हैं मजा आ गया भाई कसम से एक नंबर सबसे मजा तो उसी में आएगा ज्यादा बता देना भाई ठंड लगी तो भाई है सुन एक काम कर खाना बना ले कुछ खुआ दे भावना ने ठीक है पहले भाई सब वो रखो कैंपिंग करो तो वो सामान रख दो मैं वही बोल रहा था हमने पता कर लिया उस कोने में जाओ बाबा जी नीचे जाओ फिर भी या फिर यानी ऊपर से लेके चलो आप लोग उधर ही चले जाओ ना डायरेक्ट मैं हम दोनों लेके आ जाते सामान धीरे धीरे दो तीन चक्कर जो लगेगा देखो पत्थर है पत्थर को कितना बारीक 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 काट के छत लगा रखी है कील गाड़ रखी इसमें और पत्थरों में होल करके कील लगा रखी भाई ताकि फिसले ना इधर से जाना है भाई आज फाइनली इसकी डेट आई गई थोड़ा सा ऊपर ही करके लगाना भाई नीचे नहीं दिख रहा था हमने सुबह उठाऊंगे जी व्यू दिखाऊंगी क्योंकि ना ये प्रीति जिंटा खड़ी और इसने फॉक करवा दी इतने बड़े कहाँ तुम वैसे इधर से करना नो वहाँ नहीं बोली ना मन में रहेगी भाई मेरे को पता और सारी रात मेरे को ना सोएगी ठीक भाभी यार बैठ जा इस घास पे हाँ ठीक आ गया आ जा नीचे नहीं पहाड़ हो गया ये रहने दो भाई मेरी इतनी अज्ञा मान ना मेरा पति नहीं मन्ना डर लग गया भाई आप बोलो तो हम इनको ना ऐसे लगा देंगे अगर आपको हाइट पे लगवाना है तो ऐसे से इधर बढ़ो अरे हाइट पे की जरूरत नहीं वो चीज नहीं बोल रहा हूं ये भी सही है ऐसे ऐसे लगाएंगे हम दो तो लग जाएंगे दोनों का फेस ऐसे तो दोनों फेस उस साइड हो जाएगा एक उधर आ जाएगा एक उधर एक इधर दोनों का फेस ऐसे आमने सामने यहाँ पे लगा लो वहाँ पे स्लोप है स्लोप में कह रही है सही है सही से सोया नहीं जाएगा फिसलेगा गद्दा पूरा फिसलेगा नीचे मैंने इसलिए दिखाया भाई आप लोग हाँ चलो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है और फेस है पूरा मेरी मैडम की नमकी समोसा अरे मैंने डरा लगा था नीचे ही ज्यादा है रात ना मैं नाच गई भाई एक्स हाँ तो फिर ऐसे करेंगे ना आमने सामने टेंट लाएंगे ना भाई मैंने ये इधर साफ है तब तक ये थोड़े से पत्थर हटा देंगे इधर से
ले भाई टेंट का शुभारंभ कर ही दिया इन यो भवि बैठा है या प्रीति जिंटा मान ना मेरी सबसे प्लस पॉइंट इधर पता है पानी की टंकी वो नल है इधर गाड़ी भी अपना सामान ढोना नहीं पड़ेगा सबसे बड़ी बात भाई मुन्ने गाड़ी का सामान भाई ये लगा के फिर गाड़ी है उसको पहले इसको कसा जाएगा फिर गाड़ी में सुन धुंध के बीच में यार आ रहा हूं आज इसको टाइट कर देगा तो वहाँ हवा कम लग रही है सीधी हवा लग रही है आप तो ये बोलोगे गर्मी ऊपर भी हवा ही लगेगी ठीक है जी कानून मास्टर अरे मैं बता रही हूं इनको तो रख दे फिर और क्या सामान ले कौन है ना चौरसी ले आओ अरे 50 रुपए दो उसकी दूध वाले के देने यार वो चली जाएगी ना पकड़ भाई एक और ना देता हूं मैं पैसे मेरे पास 50 का है कौन सा पे हां है बोला मैंने देखो और रवि को बोलो सदर बड़ी काम में लग गए रुको कोई भी आ रहा है ऐसा है आप वो भी लिया रस्सी बेटा आप साइड में जाओ या इसको पढ़ा लिए अब तीन वाला है हाँ हाँ सारे तीन वाले हैं दोनों के दोनों अरे अभी लग रहा है तेरे को ऐसे कुछ नहीं है भीड़ा सा लग दिख रहा है आज जाऊंगा तीन वो सही है सब दिन लगेगी सारा इकट्ठा होकर सोऊंगा ना हां नहीं वो तो तीनों आज भी साइड हटो बस इतना बेटा गाड़ो भाई अभी पत्थर भाई और उस साइड ले ले थोड़ा सा तो जा उधर ले उधर इधर भी भवे की तरफ ले भवे की तरफ हां इधर वो रुक जा गया गया जाने दे हां भवि साइड हटो भवि वाटी लग बस कर कितना क्यों काटा फिर गाना इधर मैं सोच रहा उड़े ना ठीक है ओके थैंक यू बस अच्छा बस ना मैं निकाल दो तू भी निकालना तो चलो दूसरी आकड़ी फंसा के निकाल लो ये दूसरी आकड़ी निकल जाएगी एक बार दो बार इधर मारे दो बार हां वो तो निकल जाएगा तू गाड़ अगला गाड़ फिर इसको टाइट खींच अब इधर से इसको अच्छे से टाइट क्या हुआ पीड़ पेट थोड़े लग गए भैया मुझे भूख लग रही है रुक रुक पहले इसको भैया थोड़ा ऊपर कर मेरे को नीली वाली भूख लग रही है दीदी ये अच्छा लग रहा है गंदा लग रहा है भूख होती है मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है पूरा पकड़ के को पीछे वो हमारा काम बड़ा के दिख लाएंगे आप आंटी जी मेरी बात तो सुन लो देखो इधर चूल्हा बना के उधर का लगा हां भाई इधर चूल्हा बना के इधर ही तो और के इधर ही बना लेंगे अच्छा फिर हवा से बंद नहीं होगा क्या चूल्हा हां बोलो थोड़ी बात मेरे बंद रुक जाओ फिर निकल जाओ फिर आग में मेरे से पूछ रहा जैसे हम लोगों ने ये कंबल लेके गया ना मैं ये वो मैं उधर पूछने तुरंत उसने मेरे पास आया भाग के वो दोनों लेडीज और बोला आपको अंदर लगाने के लिए परमिशन मिल गया वो देखो ये आ गए कौन वही तुम पहनने का मजा तो इसी में ही है ये लाइफ पूरी मस्त मजा लेने के लिए ही तो और क्या करना इतनी ऊपर लेने के लिए हम दो तीन दिन चले के घूम रहे हैं तो लगा देंगे दो तीन दिन हो गया हमें लेके ही घूम रहे हैं इसको क्वार्टर भी मिल गए हमारे को अच्छा अच्छा आप लोग हमारा तो मेरा तो रेस्ट हाउस बुक करना पीडब्ल्यूडी का अच्छा हां मैं कांटेक्ट तो वही बोल रही थी लगा आप भी लगा दूंगा मैं नौकरी कुछ खुला है मन से अच्छा अच्छा मैंने भी शॉर्ट नौकरी छोड़ रखी है वहां मैं ठेकेदारी करता हूं तो ठीक है मस्त है इसमें क्या है मजा आएगा खुद खाना बनाओ पकाओ तो वही सब कुछ लेके चल रहे हैं ये तो
रहने वाले कहते हैं ये तो जीसे है भैया, यही है असली जीसे, जीसे यही है भैया। जीसे लेने के लिए तो माया है। देखते हैं अभी क्या है। हम तो कंबल वंबल कंबल वगैरह सब कुछ लेके आए, डबल कंबल लेके आए हम तो। डबल सेट वाले कंबल, इलेक्ट्रिक कंबल है, चद्दर है, कोट, भारी भारी कोट सब कुछ लेके आए। हमारे पता था भाई बच्चों को साथ में उल्टा हो गया की होगा, उल्टा नहीं देख, ये पीछे आएगा, पीछे होगा, हाँ वो चैन आगे। रात को कोई आता नहीं जाता यहाँ। ठीक है ठीक है, कोई नहीं चले जाएंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा, बाकी उधर घुस जाएंगे। ये क्या है, ये खुला नहीं है क्या? अरे बारिश बारिश ज्यादा आएगी, बाके घुस जाएंगे इधर। अरे नहीं आएगी तुम बारिश। एक कई बार रात को एक बड़ा घबरा हुआ, हाँ वहाँ गड़ागड़े हो गए। हाँ उसके आगे तो, हाँ ये तो है गड़ागड़े जब। ओए रुक 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 जा भाभी, भाभी बेटा थोड़ी देर रुक जा, आप अपना फर्ज कर रहे हो पूरा। नहीं आएगी तो बाबा देखिए आपका कहाँ घर है, हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी है तो कोई नहीं, आप घुसा तो लोगे अंदर, ड्यूटी है बाबा। आपका नंबर दे के जाना, हम फोन करते हैं, नंबर या फोन नहीं चलता, फोन नहीं चलता, ठीक है। पानी क्या गर्म मिलेगा बाबा, ठंडा मिलेगा इधर पानी नहाने के लिए। आया भाई आजा बेटा, लड़के में मिलेगा। ये ताऊ जी हैं, बता रहे हैं वैसे तो, पर हरियाणा वाले हैं, पूरी रिस्क के आदमी हैं। है? गाड़ी इधर ले, ये किसकी गाड़ी खड़ी है ये? आप एक बार थोड़ा पीछे कर लोगे, हम ले आएंगे इधर गाड़ी, हम अपने इधर ले आएंगे। देख दो जाके मुआवजा इसका कैसा है, बैग आ जाएगी इधर की इधर, कोई भड़क नहीं, कोई कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास रहने दो भैया, क्यों ज्यादा भी वो नहीं करते भाई। ये घुस गए हैं, हाय भावना भाई, मैंने पहले दिखा ना था यो इतना नीचे भाई, बहुत नीचे हम। वहाँ भी टेंट लगाते होंगे जून में, वारा लगाते हैं, नहीं टेंट वहाँ तो लगते हैं, बता रही है वो जगह बता रही है। धन्यवाद, देखो वो जगह बनी हुई ना, ऐसे टेंट लगे हुए हैं वहाँ पे, है ना बाबा, टेंट लगे थे ना। देखो कितनी धुंध जा रही है, सही है, मजा आ रहा है भाई। भाई कैंपिंग में ना मजा आ रहा है, तो देखो घाम लिकड़ा है, सूरज देवता है, वैसे भी सही कटेगा, मर्जी है तेरी, देख ले भाई। गाड़ो गाड़ो एक बार तेरा वाली और करके देख, मना नहीं करेंगे हम आपको। ज्यादा दूर हो जाएगा रवि, कहां हो जाएगा दूर, दूर हो जाएगा, कहां होगा दूर, हां हां और पास में कर लो ना भैया, इतना गैप तो चाहिए ना बीच में निकलने के लिए। हां
चल ठीक है। अरे तुम तब तक ये लगाओ ना। क्या लगाऊं? आप दोनों इनको ठोक ठाक के इनको सेट करो, मैं इसको ठोक रहा हूँ तब तक। अकल ना ना अकल होती तो ये नहीं रहते। कैसा भाई मौसम अंदर का? इसको पंखा चाहिए। लो भाई पंखा चाहिए बाबा ने। ऐसी लागे केड़ा मीनू ने मैनू को क्या करम की भी कौन नू का वे तो जाडा नहीं गई पूरे इसके ना में रोटी बनाने खातिर आई हूं था। तुम खाओगी के पूरे देख लेंगे कि मैं कितने कोनी अड़े दुकान ही कोनी कोई आया हूं माने मैं देख के आई थी। ओ भाई वो तो इतनी दूर से यहां लेने आए हैं। मेरी बात सुनो जी, आपको रोटी खानी है? हाँ रोटी मिल जाएगी, बस पैपे ना मत करे। कानून ना चाटो। और बैठ के कहाँ खानी है वो देखो, ये लगा वो उसके अंदर चल पड़ेंगे वहाँ। ये तो इसके अंदर ही खाएंगे रोटियाँ। वो डर रही है इसके अंदर खाने से भाई। क्यों? कैसे खाऊंगी अंदर बोला मैं। सोओगी क्यों कर? डर ना रही। और क्या है? मेरा बाहर निकलने मन ना कर रो। ठीक है तो भीतरी बैठ भाई। ले टेंट कर दिए हैं तैयार, दोनों कॉटेज हो गए हमारे तैयार। दो फाइव स्टार होटल कोठी बना दी पूरी। पता ना सुबेरे का तो इब तो पी ले भाई, उसका समझ में ना आई मैंने लग गए भाई। फिर देखो मौसम हो गया ठंडा। इधर से कर दो, इधर से। अच्छा हाँ इधर से थोड़ी सी इसके पास में कर दो। किसके? डंडी के सहारे से। ले भाई गार्ड लिया, टेंट ले लेंगे पूरी फीलिंग। हरियाणा वाले ये ना मान ना कपिटर। बताओ गर्मी लग रही कि नहीं लग रही अंदर? देखो नहीं ना को ना उस तरह आया मेरा सर, मन बेरा था सर दुखेगा मेरा। क्यों सर? कैसे पता लग गया? मन पता लग गया मैं बाहर चली जाऊं जी। दो तीन ज्यादा हो जाओ अमन लेट से। मेरी बात सुनो, आत्मा दूसरे खुद की है लेकिन शरीर दूसरे का, इसीलिए पता नहीं चला। क्या बोलो तुमने? कितना पता लगा? नहीं मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो दुखता है मेरा। काट लो ना आपको उसको, काटना टमाटर ये सब्जी। टाइम लग जाएगा ना। अरे दो मिनट लगेगा और कुछ नहीं, सोच रहा हूँ जल्दी से जट दे। मैं तो खुद सोच रही हूँ अभी। मैं आप लोग चकला बेलन है वो काम कर दो। चकला बेलन है ना सब बेलन तो थो ये रहे चकला। इधर थाली के ऊपर बेलने के बोला था पहले, याद हो? बेलन कहाँ है फिर? भाई अरे जो चा दिया है सुनसान बिल्कुल। आप सिर्फ एक काम करो, ये बिना काटे इसका क्या करोगे? लालू काट लो, गिलास धुलाई कर लो और गिलास धुलाई करके जो ये देखो भाई कोई ना यार। लो जी ये इनके टेंट लग रहे हैं। और रोटी बना दी सब्जी, पहले सब्जी बनाओ। सब्जी यार रोटी। अरे इतनी रोटी बना लो ना फिर ठंडी हो जाएगी रोटी, पानी भर के इतनी ठंड में। और दूध रखो? हाँ वो उबाल लिया। और कितने में दूध? नो दूध कर रहा हूं, जाओ जाओ ले आओगे जी। मैंने कल और हल्का सा वो उसमें पानी डाल देना थोड़ा सा। वो लेने गए भाई दूध, मेरे पति दे और टेंट लगा दिया है। और मेरा पुलकुराम बेलन लेके तैयार हो गया है, देसी घी का डब्बा रखा है यहाँ, ये बनाएंगे खाना। अब वो ट्राइपॉड लगा रही है रिंग वाला। और ये हमने ये यो होगा सब्जी की पूरी तैयारी कर ली है यहाँ, दूध गरम रख दिया है, बवी बैठा है और भैया काट रहे हैं सब्जी। आटा वाटा सब लग के तैयार हो गया है, बस वेट है सब्जी का। तो भैया आटा उटा लगा दिया था, सब्जी काट दी थी। तो अगला व्लॉग में आपने देखने में लगा कितने बजे हमने खाना खाया मार गिले के रात ने को सुत्ता कांड कटी। तो यार रात का 3 बजे मार गिले बूंदी बनी। तो आपने अगला व्लॉग में देखने में लगा, जरूर देखियो सारा ना जुड़गी।